परमेश्वर संसार का बनाइस। शुरुआत में परमेश्वर ने सबै चीजन का बनाइस। वह छह दिनन में संसार के और जौन कुछ वहिमा है उन सबै का बनाइस। जब परमेश्वर पृथ्वी का बनाइस वह समय पृथ्वी में घोर अंधेरा और वह खाली रहा। कहे से कि अब तक परमेश्वर वहिमा कौनो भी चीज का ना बनाइस, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मड़रात रहत तय। फिर परमेश्वर बोला, उजियारा हो जा, और उजियारा होगा। परमेश्वर देखिस कि उजियारा नीक, और वही का दिन कहिस, और परमेश्वर ने अंधियारे का अलग करिस जिका वह रात कहिस। पहले दिन में परमेश्वर उजियारे का बनाइस। संसार के दूसरे दिन परमेश्वर बोलो, पानी के ऊपर एक अंतर हो जा, और एक अंतर होगा। तब परमेश्वर वह अंतर का आकाश कहिस। तीसरे दिन परमेश्वर बोलो, पानी एक जगह में इकट्ठा हो जाए और झूर जमीन दिखाई दे। तब वह झूरी जमीन का पृथ्वी बोलिस और पानी का समुन्दर कहिस। तब परमेश्वर अपन बनाई चीज का दिखिस, फिर कहिस कि वह नीक है। फिर परमेश्वर बोलो, पृथ्वी में सबै प्रकार के पेड़ और पौधा उगावें, और ऐसन होगा। तबे परमेश्वर दिखिस जौन वह बनाइस की वह नीक है। संसार के चौथे दिन परमेश्वर बोलो, आसमान में ज्योतियाँ हुई जाए, और सूरज चंद्रमा और तरैया प्रकट हुई जाए। परमेश्वर उन्हें का पृथ्वी पर उजियारे के खातिर और दिन और रात मौसम और वर्षा माँ अंतर के खातिर बनाइस। परमेश्वर दिखिस कि जौन वह बनाओ तय वह नीक है। पचाए दिन परमेश्वर बोलो, जिंदा प्राणी पानी माँ भर जाए और आसमान माँ पक्षी उड़े। इन तना से वह पानी माँ पैरे वाले सबे जीवन का और पक्षियन का बनाइस। तबे परमेश्वर फिर दिखिस कि नीक और उन्हें का आशीष दिनेस। संसार के छठे दिन में परमेश्वर बोलो, पृथ्वी पर रहने वाले सबे प्रकार के जानवर हो जाए, और परमेश्वर के कहे से ऐसा होगा। कुछ जानवर पालतू रहें, कुछ जमीन में रेंगे वाले, और कुछ जंगली जानवर रहें। तब परमेश्वर दिखिस कि यह नीक है। फिर परमेश्वर बोलो, अब हम आदमी का अपने रंग रूप और अपनी समानता में बनाई, वह पृथ्वी पर और सबै जानवरन पर राज करी। अतः परमेश्वर माटी लेकर वैसे आदमी का बनाइस और वही माँ जीवन के श्वास फूंक दीनेस। परमेश्वर वह आदमी का नाम आदम रखिस। तब परमेश्वर आदम के रहने के खातिर एक बड़ा बगीचा बनाइस और वही की देखभाल के खातिर आदम का रख दीनेस। वह बगीचा के बीच में परमेश्वर ने दुई खास पेड़ लगाइस, जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहिस कि वह बगीचा के भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का छोड़कर दूसरे कौनो भी पेड़ का फल खा सकत। परमेश्वर ने आदम का यह आज्ञा दीनेस कि ते बगीचा के सबे पेड़न के फल खा सकत, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का जौन पेड़ है तय वही का फल कबहू ना खाए। कहे से कि जौन दिन तय वही का फल खाई है वही दिन निश्चित रूप से मर जाई है। फिर परमेश्वर बोलो, आदमी के खातिर अकेले रहा ठीक निहा, लेकिन कौनो भी जानवर आदम का सहायक ना बन सकी। यही खातिर परमेश्वर ने आदम का गहरी नींद में सुवा दीनेस। फिर परमेश्वर ने आदम का एक पसुरी लेकर वही से एक औरत बनाई और वही का आदम के नेरे लेके आओ। जब आदम वही का दिखिस तब वैसे कहिस, वाह, यह तो मोरे जैसी है, यह औरत कौहाई। कहे से कि यह आदम से बनाई गए है। यह कारण है कि आदमी अपने महतारी बाप का छोड़ दिया था और अपनी मेहरिया के साथ एक हुई जात। परमेश्वर आदमी और औरत का अपने रंग रूप में बनाइस। परमेश्वर ने उन्हें का आशीष दीनेस और उन्हें से कहिस कि बहुत सारे बच्चे पैदा करा और पृथ्वी माँ भर जा
और परमेश्वर देखिस कि जौन कुछ भी वह बनाइस रहा है वह बहुत नीक और वह उन सबन से बहुत खुश रहा है। यह सब संसार बनावे के छठे दिन में भा। परमेश्वर सताए दिन उन सबय कामन का समाप्त कीन है जौन वह कर रहो थे। वह सताए दिन का आशीष दिन है और वही का पवित्र ठहराइस कहे से कि वह दिन वह सबय चीजन का बना कर समाप्त करिस। इन तरह से परमेश्वर ने संसार के और जौन कुछ वही में है उन सबन का बनाइस। उत्पत्ति अध्याय 1:2 से बाइबिल के एक कथा।